भिवानी के चौधरी बंशीलाल नागरिक अस्पताल में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। समस्या भी इतनी बड़ी है कि लोगों को बीमारियों से निजात दिलाने की बजाय यह अस्पताल लोगों की बीमारियों को और अधिक गंभीर बना सकता है, क्योंकि हालात यह है कि नागरिक अस्पताल गंदगी के चलते खुद ही बीमार है। अस्पताल के मुख्य द्वार, आपातकालीन द्वार, पुलिस चौकी स्थल, एम्बुलेंस कंट्रोल रूम, टीवी वार्ड और ओपीडी से लगते वाटर कूलर वाले स्थानों पर बेशुमार गंदगी फैली हुई है। इस गंदगी के बारे में कई बार आवाज भी उठाई गई, पर अभी तक यहाँ के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन हालातों के चलते यहाँ मरीज ठीक हो पाएंगे? स्वास्थ्य मंत्री जो कि बीरू बनकर पानी की टंकियों पर चढ़ते थे, तो फिर यहाँ के इन हालातों से अनभिज्ञ क्यों है? अस्पताल में इस गंदगी से यही लगता है कि कहीं सीवरेज की पाइपलाइन ओवरफ्लो तो नहीं हो रही। यही नहीं कि यह गंदा पानी आज का है, नहीं, ये पानी कई दिनों से जमा है जिस पर हरे रंग की काई तक आई हुई है। लेकिन यहाँ किसी को क्या पड़ी है, लेकिन मरीजों और मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को इसका सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों का भी कहना है कि भारी गंदगी के चलते यहाँ बीमारी बढ़ने का भय है। ऐसे में क्या यहाँ मरीज ठीक हो पाएगा, जबकि यहाँ अधिकतर मलेरिया के मरीज है। इस मामले में जब सीएमओ और पीएमओ से बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने बात तक नहीं की। इसके बाद हमारी टीम ने इस मामले को डिप्टी सीएमओ के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि यह समस्या मीडिया के जरिए हमारे सामने आई है, जिस पर हम जल्द ही संज्ञान लेंगे और इस समस्या का हल निकालेंगे। जन स्वास्थ्य केंद्र है, ये अस्पताल है, या ये देखो कितनी गंदगी है, मरीजों का क्या ख्याल रखते होंगे? यहाँ इतनी गंदगी है तो आम आदमी के लिए देखना, ये इतनी गंदगी फैली हुई है, मच्छर है यहाँ, तो आम आदमी के लिए क्या सुविधा है, क्या स्वास्थ्य केंद्र है? तो सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा, अधिकारियों से, कि इनका ख्याल रखें, इनका ध्यान रखें, स्वच्छता सफाई का विशेष तौर पर, अस्पताल में तो विशेष तौर पर ध्यान रखना ही चाहिए। क्या है ये? बिल्कुल बीमारी इनसे ही तो फैलती है, पानी से, मच्छर देखो कौन सी वहाँ पड़ी है। इमरजेंसी के अंदर जो शौचालय के अंदर पानी नहीं है, समस्या आ रही है लोगों को अंदर, यहाँ पर जो काफी बदबू फैली हुई है, क्या कहना चाहोगे? ये हमारे संज्ञान में आपने अभी ये बात डाली है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे संज्ञान में डालते रहते हो, हम जल्दी ही ये ठीक करवा देंगे और पानी की व्यवस्था करवा देंगे, इमरजेंसी ये ठीक करवा देंगे, पानी की व्यवस्था करवा देंगे। तो क्या आप जो ये कई शरारती तत्व होते हैं, टूटी वगैरह तोड़ देते हैं इमरजेंसी में, वो आपने हमारे संज्ञान में डाल दिया, हम जल्दी ही ठीक करवा देंगे।